शिव योग। नमस्कार दर्शक मित्रों, स्पिरिचुअल लाइफ के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हर वीक कुछ न कुछ नई नई बातें हम करते रहते हैं। ईशान जी यहाँ हमारे स्पिरिचुअल लाइव कार्यक्रम में मौजूद है। ईशान जी आपका स्वागत हमारे स्पिरिचुअल लाइव कार्यक्रम में। दुनिया में 10 दिशाएं होती है और 10 दिशा में सबसे अच्छी और पवित्र दिशा जो है वो ईशान है। ईशान कोना जो है वो सबसे पवित्र, और वहां वास्तु शास्त्रियों ने भी कहा और शास्त्र में भी कहा कि ईशान कोना भगवान शिव का है और भगवान शिव देवी देवताओं का वास ईशान में ही रहता है। इसीलिए बाबा जी ने भी उनका नाम ईशान ही रखा है। और ईशान जी आप इंग्लैंड में आए और आध्यात्मिक चेतना की साधना शिविर जो कर रहे हैं, तो आपका अनुभव एक दो बार आए तो साधना शक्ति की इंग्लैंड में क्या जरूरत है जी? सबसे पहले तो बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी, आप सबका बहुत प्रेम व सम्मान से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप हैं और आप सुन रहे हैं। तो गुरु जी, सबसे पहले मैं एक चीज के बारे में बात करूंगा, चेतना, कॉन्शियसनेस। एक होती है सिंगुलर कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना, और एक होती है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कि जिस एक समुदाय में मैं रहता हूँ, जिस एक सोसाइटी में रहता हूँ, जिस एक कल्चर में रहता हूँ, उसकी चेतना। अब अगर माय कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना निचले स्तर की है, इट इज वेरी वेरी एनिमलिस्टिक, तो एक व्यक्ति उस हिसाब से अपने जीवन को जिएगा, उस हिसाब से चॉइसेस करेगा, उस हिसाब से रिएक्शंस करेगा। क्योंकि अगर आप देखें, एक एक्शन होगा तो एक आदमी का रिएक्शन हो सकता है माफ करना, एक्सेप्ट करना, प्रेम करना, और दूसरे व्यक्ति का रिएक्शन हो सकता है पूर्णता हताश हो जाना, बिखर जाना, और खुद तो बिखरेगा ही, अपने परिवार को लेके बिखरेगा। तो बहुत जरूरी है मैं अपनी चेतना को उठाऊं, और जैसे जैसे मेरी चेतना उठती है, देखा गया है दैट द फील्ड विच आई लिव इन starts to resonate with me and the whole collective consciousness of the area where I live starts to flow in a single direction, completely depends how strong I am. And we have seen it in nature. There was a time Gautam Buddha came, he created such a strong unified collective consciousness that the whole world started to go towards the divinity. न जाने कितने सिद्ध आए और ऐसी collective consciousness बना दी कि सब कुछ दिव्यता की ओर बढ़ना शुरू हो गया। तो उसी प्रकार से मेरे को लगता है सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, दुनिया का कोई भी आप एक कोना ले लो, there should be a collective consciousness of peace. और अगर उसमें एक harmony होगी तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे से प्यार करेगा, और अगर भीतर एक शांति होगी तो वो एक सही मार्ग पे चल सकता है। फिर वो अपनी प्रोफेशनल उन्नति के बारे में सोचेगा, अपने स्वास्थ्य सेहत के बारे में सोचेगा, और एक एक्चुअलाइज्ड लाइफ, एक पूर्ण एनलाइटेंड जीवन को जीने की वो कोशिश करेगा और उस मार्ग की ओर बढ़ेगा। तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये एक जरूरत है कि हमें एक डिवाइन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हर देश में उत्पन्न करें और इतनी ताकतवर हो कि उस देश का एक एक व्यक्ति, एक एक आत्मा उस मार्ग में चलना शुरू कर दे। मगर उस वो मार्ग को जैसे लोग ढूंढते हैं कि कहां से मुझे ये मार्ग मिले, तो उनका आसान तरीका क्या है? लोग सोचते हैं कि चलो ये चेतना है, आंतरिक चेतना, और बहुत अच्छी बात बताई आपने कि उस चीज को पूर्ण रूप से स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, मगर ये मार्ग कैसे ढूंढे? नहीं, पहले तो देखना पड़ेगा हम क्या ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एक होता है टोटका,
एक होता है कि मैं ढूंढ रहा हूं सिम्टोमैटिक क्योर. सिम्टोमैटिक क्योर इज कि मान लो मेरा सर दर्द है, तो मैं एक पेन किलर अपने शरीर में डाल दूंगा. तो पेन किलर का मतलब यह हो गया कि अब सर दर्द है, लेकिन मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक ऐसी मशीनरी डाल दी गई, दर्द है पर मुझे पता नहीं जी. लेकिन यह समझना है, दर्द बुरी नहीं, दर्द हमें कुछ बता रही है कि कुछ गलत है, आपको कुछ अपने जीवन प्रक्रिया में बदलना पड़ेगा. लेकिन अब यू आर बिकमिंग सेंसलेस टुवर्ड्स द पेन. और मजे की बात, जैसे ही आपकी उस पेन किलर का इफेक्ट गया, दर्द वापस आ जाएगी. हमारा क्या एक सोच होनी चाहिए, व्हाट इज द कॉज, नॉट अ सिम्टोमैटिक क्योर, अ कॉजेटिव क्योर. मतलब कि सरदर्द है, मान लो सरदर्द इसलिए है कि मुझे टाइफाइड है. अब मान लो मुझे टाइफाइड है तो उसका कॉज क्या है, सैलमोनेला टाइफी. तो मुझे ये ढूंढना है कि मैं अपने इम्यून सिस्टम को कितना तगड़ा बना दूं कि वो बैक्टीरिया मेरे भीतर जागृत ही ना हो. तो पहले तो हमें इस क्यूरियोसिटी को समझना पड़ेगा कि क्या हम क्यूरियस हैं क्योंकि हम किसी दुख से भाग रहे हैं, क्या हम क्यूरियस हैं क्योंकि हम कोई टोटका ढूंढ रहे हैं, क्या हम क्यूरियस हैं कि हमें कोई इजी वे आउट मिल जाए, लेजी वे आउट जैसा आप बता रहे थे, और या हम क्यूरियस हैं कि भगवान ने हमको एक सुपर कंप्यूटर दिया है हम जागृत कर सके. क्योंकि क्यूरियोसिटी सब में है. मैं देखता हूं आजकल का नौजवान एक सेलफोन खरीदता है, 3 घंटे लगाएगा उसकी एक एक एप्लीकेशन जागृत करने में, फिर साल लगा देगा उसमें 100 एप्लीकेशन डालने में, और इस शरीर को हम देखते ही नहीं. वी आर नॉट क्यूरियस हाउ इट फंक्शंस, वी आर नॉट क्यूरियस हाउ वी आर बोर्न, वी आर नॉट क्यूरियस हाउ वी लिव, वी आर नॉट क्यूरियस दैट व्हाट इज द एनर्जी एंड व्हाट इज द पोटेंशियल विच वी कैन रीच. बिकॉज इफ यू लुक अराउंड योर सेल्फ, देर आर पीपल हु आर सक्सेसफुल टू द लिमिट ऑफ नो लिमिट. There are people who are spiritual, who are wise, intelligent, and I am curious, I was curious, that what is it that having the same brain, this person has an infinite IQ and this person is equivalent to a donkey? What is it that this person is so successful wherever he is, aur is vyakti ko sab kuch de do aur ye duba dega? That was my curiosity, ki main pehle ye jana chahun कि मेरे भीतर कितना ज्यादा पोटेंशियल है. और अगर ये क्यूरियोसिटी मैं जागृत कर लेता हूं तब मार्ग ढूंढना भी आसान होगा. क्योंकि आपकी सोच बहुत ज्यादा निर्भर करती है. ये गुरुजी बहुत मजे की बात है, मैंने देखा एवरी मॉलिक्यूल इन टुडेज एनवायरमेंट, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एफिनिटी. एफिनिटी का मतलब एक मॉलिक्यूल की क्षमता दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ जाने की. हाइड्रोजन प्रकृति में ऑक्सीजन को ढूंढता है और पानी बन जाता है. हर एक मॉलिक्यूल की एक क्षमता है टू फाइंड अनदर मॉलिक्यूल, फिर उससे जुड़ जाए एंड देन टू रिमेन इन दैट बॉन्ड. और जिस तरीके का मॉलिक्यूल है उस तरीके की एफिनिटी है. उसी प्रकार से मैं देखता हूं जिस प्रकार की सोच है उस प्रकार का व्यक्ति मार्ग ढूंढेगा, उस प्रकार के मार्ग से जुड़ जाएगा. एक आलसी आदमी टोटके ढूंढेगा, एक सुप्त आदमी की एफिनिटी फिर उसी मार्ग से होगी जो उसे हमेशा सुप्त रखे. और अगर मैं अपनी एफिनिटी बदल दूं, अपनी सोच बदल दूं कि मैं एक ऐसा मार्ग ढूंढना चाहता हूं जो मुझे अनंत जागृति, एक कंटिन्यूअस एवोल्यूशन, बिकॉज द ओनली थिंग विच इज परमानेंट इज एवोल्यूशन. वी आर ऑलवेज इवॉल्विंग, वी हैव नेवर स्टॉप्ड इवॉल्विंग, आवर माइंड इज इवॉल्विंग, इवन यू लिसनिंग टू मी राइट नाउ आर इवॉल्विंग बिकॉज माय वर्ड्स आर एंटरिंग, सो दैट इज एन एवोल्यूशन. एंड इफ आई क्रिएट अ चेन ऑफ थॉट दैट आई वॉन्ट टू रीच टू द स्टेट ऑफ द हाइएस्ट एवोल्यूशन, देन ऑटोमैटिकली मेरी एफिनिटी सही मार्ग के साथ ही होगी. फिर अपने आप मैं उस प्रकाश को ढूंढ पाऊंगा, और एक बार ढूंढ लिया मैं उससे जुड़ूंगा. तो सबसे पहले मैं आपको
बताना चाहता हूं कि ये बोलना कि साधना सही या नहीं वो तो बात की बात है, पहले ये कि आपका चेतना सही या नहीं। And now people say you should not have a shivling. The dilemma is you have about a billion shivlings in your house. I'm sorry, you have it. How? Look at the shape of each and every cell of your body. Your each cell is a small shivling. It is a shava merged with shakti. It is a cell in which the life force is flowing. It is a fusion reaction happening each time the cell is being reproduced through the mitosis, the meiosis. It is life. Life is Shiva. It is a metaphor. Now you see, your whole body is a combination of so many cells. You are filled with a billion and billion and And not just that, you are living inside a shivling. Look at the aura, the prana sharir. What today is called the bioplasmic body, or your magnetic field, or the atmosphere around you, or your personal field. Which shape is that? It is a shivling. Look at the atmosphere of the earth. Which shape is that? Look at the flow of the solar system. Which space is that? So you are nothing but a shivling in a shivling in a shivling in a shivling in a shivling. And that is what it signifies, the spiral motion of energy. It signifies a flow, it signifies life, it signifies healing. It signifies that all macrocosm is equivalent to a microcosm, equivalent to a macrocosm. Look at the universe. Universe is filled with thousands of galaxies, and each galaxy is filled with thousands of solar system, millions. Look at your body. We say aham brahmasmi. Tumhara sharir bhi us universe ke saman hai jisme ek molecule us galaxy ke saman hai. और उस गैलेक्सीज में हजारों सोलर सिस्टम, और तुम्हारा हर एटम उस सोलर सिस्टम के समान है जिसमें बीच में एक न्यूक्लियस और आसपास इलेक्ट्रॉन्स। और शिवलिंग सिर्फ यही दर्शाता है, दैट अ स्पाइरल मोशन अ फ्लो, एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड लाइफ इज फ्लो। डिजीज क्या है, बीमारी क्या है, डिजीज का संधि विच्छेद करो, डिस्टर्बेंस इन ईज, मतलब कि प्रवाह रुक गया। इंसान का शरीर कब बीमार पड़ता है, जब बीमारी भीतर आ गई और हमारा इम्यून सिस्टम उस बीमारी को नहीं धकेल पा रहा, एक रुकावट आ गई। धंधे में कब समस्या आती है, जब डिमांड है लेकिन सप्लाई में रुकावट आ गई, सप्लाई है लेकिन डिमांड में रुकावट आ गई, मतलब स्पाइरल मोशन था, वो जो शिवलिंग था अब वो ब्रेक हो गया। अगर कोई रिश्ता है, रिश्ता क्यों खराब पड़ता है, क्योंकि अगेन फ्लो रुक गया। तुम्हें जिसको माफ करना है तुम उसे माफ नहीं कर पाए, जिसे तुम्हें माफ करना है वो तुम्हें नहीं माफ कर पाया, तुम्हारे भीतर क्रोध रह गया और तुम अब पास्ट को पकड़ के उसका गला दबाते हो। दैट इज अ स्टॉप, एंड द शिवलिंग इज येट अगेन जस्ट signifying that you are possible because there is a flow of energy, a constant consolidation of matter, materialization and dematerialization, the flow of life. And that is why the Rishi said you must keep as many shivlings around you so that you remember the flow. And it is seen, the bioplasmic energy which is created when you keep these shivlings around your house, they help to bring back the flow in your body, in your life. So, understand the metaphor. Do not be lost in the structure. Because the saint will point towards the moon and the idiot will look at the finger. You should be intelligent enough to see your wisdom. And do not let anybody tell you so. Again, I remind you, respect the divinity within you. Respect the divinity around you.
एंड यू विल येट अगेन बी कनेक्टेड टू द फ्लो द स्पाइरल मोशन ऑफ द एनर्जी विच यू डिजर्व टू बी कनेक्टेड टू. व्हाई यू डिजर्व? बिकॉज यू आर केपेबल. You are capable of great healing. And why I say you are capable? Because you have felt it in your life. Why do you run after money? Why do you run after happiness? Why do you run after the good things? In India, we have a saying, Bandar kya jane adrak ka swad. Tum khushi ke piche jate ho, kyunki tum khushi jante ho. Tum khushi jante ho, kyunki tum khushi se jude the. Aur ab khushi ke piche bhagte ho, क्योंकि कहीं छूट गई. अब बारी है तुम्हें तुम्हारे असली तत्व से एक बार फिर जुड़ने की, और उसके लिए जरूरत है प्रवाह की. और ये लिंग, ये ध्यान, ये महामृत्युंजय, ये शिव तत्व तुम्हारी मदद करेगा. इट विल सिग्निफाई बिकॉज दिस इज अ सीड एंड द मोर यू वर्क द मोर trees and forests will be revolved towards you. This is the seed. The more you work, the more evolution will be shown to you. शब्द विशेष शब्दों की रचना ऋषि मुनि योगियों ने की, जिसको हम कहते हैं मंत्र. और विविध मंत्रों के माध्यम से विविध शक्ति, विविध ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकते हैं. ईशान जी, शिवलिंग की जो चर्चा कर रहे थे हम, और उसमें हर प्रकार के लोग साधनात्मक क्रिया करते हैं. उस साधनात्मक क्रिया में पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय कोई जाप करते हैं, कोई महामृत्युंजय मंत्र जाप करते हैं, कोई विविध मंत्र जाप करते हैं. मगर सामान्य रूप से लोगों को क्या करना चाहिए? मंत्र जाप बहुत अच्छा है गुरु जी. मंत्र जाप आपको एक शांति प्रदान करता है और एक एकाग्रता. लेकिन बहुत जरूरी है कि जो ध्यान है उसको हम सिर्फ एक कमरे तक सीमित ना रखें. यू शुड ब्रिंग this experiment in your life. क्योंकि एक है मैंने एक घंटा ध्यान किया, मंत्र जाप किया, और उसे कमरे में फिर बंद कर दिया, ताला लगा के छोड़ दिया. बहुत जरूरी है कि जिस इष्ट को हम चुनते हैं, जिस मंत्र को हम चुनते हैं, जिस साधना को हम चुनते हैं, फिर अपने जीवन में भी उसको लाने की पूर्णता कोशिश करें. क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे को सिखाया शिव योग. अब शिव, उन्होंने कहा, एक व्यक्ति विशेष नहीं, उन्होंने कहा लेट अस टेक शिवा एज अ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, लेट अस टेक दैट डिविनिटी एज अ यूरेका एक्सपीरियंस, लेट अस टेक दैट डिविनिटी एज द लाइट. और फिर उसके बाद हम जिस दिन उस शक्ति से जुड़ जाते हैं तो वो हो गया शिव योग. मतलब कि जो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उससे हम पूर्णता जुड़ गए, हम उस दिव्यता से जुड़ गए, ताकि हमारे हर शब्द में वो दिव्यता है, हमारे हर कार्य हर आचरण में है. तो मैं चाहता हूं मंत्र तो आप लोग करें, लेकिन उस मंत्र की शक्ति को अपने जीवन में भी लेकर के आए. और देखो हर एक मंत्र एक चीज तो जरूर, वो है एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल लव. और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, तुम चाहते क्या हो. तो एक तो मंत्र आपके गुरु ने आपको दे दिया जिसका आप पाठ करते हो एक कमरे में एक माला के साथ. अब मैं चाहता हूं आप एक सामान्य जीवन में मंत्र का जाप करना शुरू करो कि तुम चाहते क्या हो. किसी भी एक एक्शन में अगर आप घुसते हैं या एक इंसिडेंट में घुसते हैं, जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट आई वांट, एंड यू विल फील योरसेल्फ बीइंग गाइडेड. बिकॉज 99% ऑफ द टाइम द ट्रबल इज आई डोंट नो व्हाट आई वांट,
I am going and a person comes in front of me and I let him trigger in me what I do not want. And the moment I let him do that, I am deviated. If I want success, suddenly a person comes, he angers me, and again I am lost. Then I am not worried about my success but getting my revenge. Then I hold a grudge. Then again when the grudge is there, it is replaced by sadness. And then I am sad, I feel sorry that why did I let him treat me like that? And the sadness becomes frustration and success is lost every time you put a new veil, a new carpet over it. So, samanya jeevan mein, apne aap se har roz poochho ki main chahta kya hoon. और आप पाओगे आपके भीतर से ही एक आवाज जब कोई आपके भीतर के पशु को ट्रिगर करने की कोशिश करेगा अपने आप एक आवाज आएगी मैं ये नहीं चाहता भैया तुम महान हो मैं अपने काम से काम रखता हूं आई एम गोइंग सो मंत्र जो कर रहे हो जब तक कर रहे हो करो जब साधना में आने का समय आएगा तब आ जाना लेकिन तब तक एक बात याद रखना और दोहराना व्हाट डू आई वांट रिपीट Ask yourself and you will feel that this is such a powerful guide and it will guide you where you wish to be and that is perfect health, divinity, prosperity, shanti or sampannata. Magar us apne aap mein us aadmi ko hi pata nahi ke kahan jana. Hello. Hello. Haji namaskar, how can I help you? Namaskar, I would like to talk to Ishan ji. Ji. Namo Shivaya ji. Om Namo Shivaya. Ji ha. Sanji. Yes. Mera naam Jayanti hai. Ji. Main aapko ek baat puchna chahta hu ke Shiv Yog mein main Surat bhi aaya tha aur idhar bhi aapko Tuesday ko attend kiya. Because of finances, not many people can attend it. I have to Krusha Ben and Jyoti Ben, like when they turn around and is it a donation or is it a price for the ticket? Can you repeat, please? They say it's a donation and if only by giving it, you can only attend by giving a donation. That means you can only be sadhak if you got the money. If you don't have money, you can't be a sadhak. So nice question. But you know the interesting thing is that the airline people do not let me come here for free. And then the hall people don't give me the hall for free. And then the 10 days when I'm staying, oh my God, that is also not free. And you know people are eating, that is also not free. So the fantastic thing is that one thing which we must change is our attitude. The fantastic thing is that if we go for a movie, we are ready to pay £10. At that time we don't say, my dear film star, that if I want to see your movie, why do I have to pay? Why are we so much interested in piracy that everything should be free? Hum mehnat kyun nahi karna chahte? We should learn to pay the price. Agar aapko ek prakar ka kapda chahiye, you pay the price for that. Ek prakar ki gaadi chahiye, you pay the price for that. Ab mere paas Shiv Yog mein do options hai. Ki ye jitna bhi kharcha hota hai, ek main koi aadmi dhoondun. Jiske paas itna paisa hai, ki uska agar kuch nikal bhi jaye, to usko farak hi na pade. और मैं उसको बोलूं देख भाई डोनेशन दे और वो खर्चा उठा ले वो मेरे रहने का आने का खाने पीने का आप सबके रहने का खाने का हॉल का खर्चा उठा ले और पता है ये मैंने करके भी देखा और मैं आपको बताता हूं उससे क्या होता है 5 दिन के शिविर में एक आदमी आता है 1 दिन 2 आदमी आता है 2 दिन 5 आदमी सोचता है मैं आऊं ना आऊं आऊं सुनूं ना सुनूं इज्जत ही नहीं होती और अगर इज्जत नहीं होती तो वो प्रैक्टिस खाक करेगा और मजे की बात जब वो थोड़ा पैसा देके आता है तो उसको इज्जत है कि ओह मैंने 20-30 पाउंड दिया है मैं ध्यान से सुनता हूं
मैं ध्यान से उसको अपने भीतर डालता हूं और उसकी फिर वो रिस्पेक्ट करता है, उसको प्रैक्टिस करता है। अगर मैं 8 बजे बुलाता हूँ वो 7:30 बजे आता है, और अगर मैं 5 बजे छोड़ता हूं वो कहता है 6 बजे क्यों नहीं छोड़ा। वो मुझे नहीं छोड़ता है ज्ञान के लिए, और अगर मैं बोलूं आओ तो मैं लोगों को निचोड़ता हूं, अरे भैया आ जाओ प्लीज सीख लो, मैं तुम्हें तुम्हारा ही भला के लिए सिखाता हूं, तब वो कहता है टाइम नहीं है। तो सबसे पहले हम भारतीयों को अपने एटीट्यूड को बदलना होगा। नथिंग इन लाइफ इज फॉर फ्री, एवरीथिंग यू हैव टू पे द प्राइस, एंड दैट इज व्हाई माय गुरु चोज द परफेक्ट थिंग इन शिव योग। वी डोंट बिलीव इन डोनेशन, देर इज अ प्राइस टू बी पेड बिकॉज देर आर एक्सपेंसिस, एंड इन द सेम वे इट इज सो इजी फॉर माई गुरु दैट इफ यू वॉन्ट्स टू डू चैरिटी He first asks charity from you and then he does the charity, but then he is the middleman. So what he does is, like a teacher, what he has is knowledge. He gives to all of you. And what he gives to all of you, then there is a certain price to be paid so that you respect the knowledge which has been given to you. And also, you get what is necessary. And then what he takes from you, then he uses it for the expenses which he incurred on you, and then his cause. And you know what happens with this money if it is used for charity? When he goes to the children of God, it is not charity. He does it like a father does it for his son. एक आदमी जाएगा भला करने और वो उन व्यक्तियों को देखेगा दुख से। एक है मैं जा रहा हूं करुणा के साथ, करुणा मतलब मुझे दुख मोटिवेट कर रहा है लोगों का भला करने के लिए। एक है करुणा कंपैशन, कि मुझे कंपैशन मोटिवेट कर रही है किसी का भला करने के लिए। एक पिता को कंपैशन मोटिवेट करती है, किसी और को दुख भी मोटिवेट कर सकता है। And it is seen when he works hard day and night to teach you, then the fruit of the hard work gives self-respect to all the Shiv yogis, deserving and more deserving. And you respect Shiv yog, the children respect Shiv yog, I respect Shiv yog. बहुत अच्छा लगा ईशान जी, आपने बहुत सुंदरता से उस चीज को समझाया। और समय समय का कार्य करता है, फिर अगली बार हम कुछ आध्यात्मिकता की बात करेंगे। नमस्कार। ओम पूर्णमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पुनश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। शिव योग।